माननीय सुनील दत्त द्विवेदी जी, परम पूज्य गांधी जी की जयंती पर मैं उनको सादर नमन करता हूं। और जो विषय मुझे दिया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और टिकाऊ शहरी विकास और सामुदायिक विकास, इस पर बोलूं उससे पहले जैसा जो रवैया, जो बर्ताव विपक्षी दलों का रहा है कि गांधी जी की जयंती के अवसर पर भी उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि सदन में सहभागिता करें, सदन के विचारों को सुने और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, इस संबंध में दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं विपक्ष के लिए कि वो सुने न सुने अपना बयान जारी रख, वो सुने न सुने अपना बयान जारी रख, आवाम सुन रहा है ये दास्तान जारी रख, वो सुने न सुने अपना बयान जारी रख, आवाम सुन रहा है ये दास्तान जारी रख, और उनके हाथ का पत्थर रहम न खाएगा, लहू लुहान परिंदों अपनी उड़ान जारी रख। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की उड़ान जारी है, कल 11 बजे से सदन प्रारंभ हुआ है और हमने विभिन्न पड़ावों को छुआ है, गरीबी के मुद्दों को छुआ है, भुखमरी पर छुआ है, चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विकास ऊर्जा तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। जिस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परम पूज्य गांधी जी ने जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना की थी उसमें उन्होंने कहा था कि पाठशालाओं का मेल मां के दूध से जो संस्कार प्राप्त होते हैं उनके साथ होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, व्याकरण, अर्थमैटिक, बीज गणित, रेखा गणित, यही शिक्षा का पर्याय नहीं है, हस्तशिल्प, हस्तकला भी शिक्षा का पर्याय है और शिक्षा इसी से प्रारंभ और समाप्त होनी चाहिए। गांधी जी के शब्दों में हृदय और हस्त को की उपेक्षा करके मस्तिष्क से अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज हमारे मोदी सरकार ने इसी दिशा में प्रगति की है, इसी दिशा में पहल की है और रचनात्मक रूप से कौशल विकास की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ है कि सारे बच्चों को काम मिले, वो अपनी प्रतिभाएं जो उनके अंदर छुपी हैं उनको चमकाएं और अपनी क्षमताओं को विकसित करके देश के समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो तीन चार पहलू आते हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जिन पर हमारी सरकार ने काम भी किया है, वो एक है सूचना परक शिक्षा, इन्फॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मान्यवर, सूचना परक शिक्षा में बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा ये आग्रह है कि पाठ्यक्रम में इतिहास तो पढ़ाया जाए लेकिन चंगेज खां का, अकबर का, तैमूर लंग का इतिहास ना पढ़ाया जाए, वरन राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, गौतम बुद्ध का ज्ञान, महावीर का मौन, इस प्रकार का पढ़ाकर आज बच्चों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाए। इसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में जहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ाए जाते थे, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने अन्वेषण और आविष्कार पर ज्यादा बल दिया है, इंक्विजिटिवनेस पर ज्यादा बल दिया है, इंक्वायरी पर, इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा बल दिया है। मैं समझता हूँ यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वो अंग हैं जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। एक इसका और अभिन्न अंग है जीवन को कैसे जिया जाए। आज बच्चों का बस्ता भारी हो गया है और ज्ञान हल्का होने लगा है। आपने देखा है वैदिक युग में, त्रेता में हमें मालूम है कि किस प्रकार से विमान बनाए जाते थे, वो गणित हमारे पास था, वो विज्ञान हमारे पास था। द्वापर में मंत्रों के माध्यम से किस तरह से अग्नियास्त्रों का प्रक्षेपण किया जाता था, ये भी हमारे पास था। हमने बचपन में देखा है कि लकड़ी की पट्टी और बुदक्के में ही पूरी एनसाइक्लोपीडिया हुआ करती थी, लेकिन आज
जब बस्ता भारी हो रहा है, ज्ञान हल्का हो रहा है, ऐसे में लैंग्वेज ऑफ लॉफ्टर बच्चे भूल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चे भूल रहे हैं। जो इस समय पाठ्यक्रम के दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है वो प्रायोगिक और व्यावहारिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही है। मोदी जी ने जो ज्ञान की व्यवस्था के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया है वो ऐसा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समावेश उसमें हो जाए। इसी प्रकार से मोदी सरकार ने फिटनेस के ऊपर, योगा के ऊपर, प्राणायाम और साधना के ऊपर, अब आप संक्षेप करिए, दिया है। ये भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक अंग है। हम सकारात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से हमारे छात्र छात्राएं किस तरह से आगे बढ़े, गुणात्मक शिक्षा इससे पूर्ण हो सकती है। आज कंपटीशन का युग है, लेकिन हम कंपीट तो करें लेकिन अपने आप में भी कंप्लीट हों। अगर शिक्षा उस दिशा में जाती है तो मैं समझता हूं वो अपनी सार्थकता को सिद्ध करती है। माननीय मोदी जी की सरकार ने कौशल विकास को बहुत आगे बढ़ाया है। अभी 30 सितंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी कौशल विकास के मंत्रियों की और अधिकारियों की पूरे भारतवर्ष से। कौशल विकास को जिले तक ही नहीं, ब्लॉक लेवल तक, स्तर तक ले जाने की योजना बनी है। आप जानते हैं कि कितने IIMs, कितने ITI, कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये मोदी जी की सरकार में आगे आ रहे हैं। ITIs खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स खुल रहे हैं, इससे स्वरोजगार परक और रोजगार परक शिक्षा हम अपने देश में दे सकें। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। हमें मालूम है कि विपक्ष के जमाने में शिक्षा के नाम पर नकल हुआ करती थी, शिक्षा के नाम पर शिक्षा के माफिया हुआ करते थे, शिक्षा के गैंग हुआ करते थे। उस पूरी शिक्षा व्यवस्था में माननीय योगी जी की सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन लाया है। आज नकल रुकी है। आज तो कभी हम कल्पना करते थे कि एजुकेशन फ्री हुआ करे, हमारे गरीब बच्चे भी स्कूल जाएं और उनके माँ बाप भी उनकी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, ऐसी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था अगर की है तो माननीय योगी जी की सरकार ने की है। योगी ठीक है, बाप आपका हो गया। हमें मालूम है किस प्रकार से स्कूलों में यूनिफॉर्म फ्री दी जा रही है। अब आपका समय हो गया, आप जा रहे हैं द्विवेदी जी, बस 2 मिनट और आप देखे रहिएगा, 2 मिनट में करिए। स्कूल्स की बिल्डिंग को नया रूप दिया जा रहा है, नया आकार दिया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन की भी गुणवत्ता परख दी जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में हमारी सरकार काफी कदम आगे बढ़ी है। इस विषय पर अधिक न बोलते हुए मैं अपनी विधानसभा के बारे में भी 1 मिनट में बात कहना चाहूंगा। हमारे ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 3 सबस्टेशन हमारी फर्रुखाबाद की विधानसभा में बनवाने का कार्य किया है। फर्रुखाबाद विधानसभा में 50 ट्रांसफार्मर्स लगाने का इन्होंने काम किया है। लेकिन इनसे मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन भी है। आपको जानकारी है कि फर्रुखाबाद विधानसभा में भूमिगत केबल का एक प्रस्ताव पास हो चुका है, उसका टेंडर भी पास हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव के रहते हुए उसके कारण से इस टेंडर को स्थगित कर दिया गया था। माननीय ऊर्जा मंत्री से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि वहां की जनहित में, वहां की जनता का ध्यान रखते हुए इस स्थगन को जारी कर दिया जाए और वहां पर भूमिगत केबल की व्यवस्था कर दी जाए। माननीय नगर विकास मंत्री जी अभी यहां बोल रहे थे, नगर विकास में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनको भी मैं कुछ मांगे अपने फर्रुखाबाद विधानसभा की उनको प्रेषित करना चाहता हूं। हमारे यहां जो नगर पालिका की बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर है, 1868 की बिल्डिंग है, कभी भी वो गिर सकती है। उसके स्थान पर अगर नई इमारत बनाकर वहां पर कार्यालय बनाया जाए तो इसमें उसमें शॉपिंग मॉल भी बनाया जा सकता है, जिससे एक आमदनी का जरिया भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती है। सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक यूनिटी रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जाता है। सरदार पटेल के उस पार्क से ही हम रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। पहले इसको मानवर वो पटेल पार्क जो सरदार पटेल जी के नाम पर है बहुत बुरी दशा में है, बदहाली की हालत में है। ये वही पार्क है जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूका था। ये वही पार्क है जहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने आकर वहां पर अपना मंत्र फूका था। आज वो बदहाली की हालत में है। मैं नगर विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 31 अक्टूबर दूर नहीं है, इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, सिर्फ उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है। बजट आवंटन हो चुका है, उसको रिलीज करने की आवश्यकता है। इस बजट को रिलीज किया जाए जिसे आगामी 31 अक्टूबर को उनके ही हाथों से वहाँ भूमि पूजन हो सके और हम सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसी प्रकार से मानवर हमारे फर्रुखाबाद विधानसभा में एकमात्र तालाब है, बड़पुर का तालाब,
मैं समझता हूं अगर उसका सौंदर्यीकरण हो जाता है तो ये जनहित में बहुत अच्छा रहेगा और पूरी जनता इसके लिए धन्यवाद देगी। माननीय योगी जी की सरकार में हमारे आयुष्मान भारत में 12,000 गोल्डन कार्ड बने हैं, 9,850 राशन कार्ड जारी हुए हैं, समाज कल्याण में वृद्धावस्था पेंशन 2,567 बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो योगी जी की सरकार ने करे हैं। फरुखाबाद विधानसभा उनकी बहुत कृतज्ञ है। आपने 3 मिनट ज्यादा ले लिए, अब आप बैठिए। समाप्त करने से पहले बस यही कहना चाहता हूं माननीय योगी जी के लिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जो कार्य उन्होंने करके दिखाया उत्तर प्रदेश सरकार में एक रिकॉर्ड 2.5 साल के, अब आप बैठिए, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम उनके हौसले को प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती बिमला जी।